डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉटरी क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम लोग पहला यूनिट स्टार्ट किए थे सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसमें हम लोग 3 लेक्चर किए थे और आज लेक्चर नंबर 4 होगा। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे स्ट्रेस के बारे में और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है शुद्ध हिंदी प्रतिबल। जैसे जब किसी बॉडी को हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी के अंदर से एक इंटरनल फोर्स डेवलप होता है, वही इंटरनल फोर्स को पर यूनिट एरिया के टर्म में देखा जाए तो उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेस। जैसे मेरा शरीर है, अब मेरे शरीर के ऊपर लोड अप्लाई कीजिएगा तो मेरे शरीर से भी एक अंदर से रिसिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, इंटरनल फोर्स डेवलप होगा, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है, रिसिस्टिंग फोर्स बोला जाता है या इंटरनल फोर्स बोला जाता है। जो अंदर से फोर्स डेवलप होगा वहीं पर यूनिट एरिया के टर्म में अगर लिख दें तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर ले लीजिए, जनरली सर्कुलर स्ट्रक्चर ही ले लेते हैं बनाते समय, जल्दी से बन जाता है। इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, यही है, सर्कुलर प्रकार का होगा। अगर इसके ऊपर हम लोड अप्लाई किए, कितना लोड अप्लाई किए, पी, यहां पर लोड अप्लाई किए कितना, पी। जैसे लोड अप्लाई करेंगे, खींचेंगे तो इसके अंदर में इसको रोकने के लिए अपोजिट दिशा में एक फोर्स डेवलप होगा, इसको रोकने के लिए अपोजिट दिशा में एक फोर्स डेवलप होगा, इसका नाम जानते हैं क्या है, रेसिस्टिंग फोर्स। रेसिस्टिंग माने रोकने वाला, रेसिस्टिंग फोर्स। कोई कोई इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलता है। रीस्टोरिंग फोर्स करने का मतलब जब लोड अप्लाई करके छोड़ देंगे तो फिर ओरिजिनल शेप पर साइज में ले जाने में यही काम आएगा, इसलिए इसका नाम क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स, या इंटरनल फोर्स भी बोला जाता है। यही रीस्टोरिंग फोर्स लोड किस पे लगाते हैं, इस क्रॉस सेक्शन पे, इस एरिया से डिवाइड कर दे तो इसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। और ये एरिया कितना होगा, सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना पढ़ के आते हैं, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये एरिया है। तो सिंपल स्ट्रेस का मतलब होता है कि जब किसी स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तो लोड पर यूनिट एरिया के टर्म में देखें, कौन लोड, जो अंदर वाला फोर्स डेवलप हुआ था उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। अब कहिएगा सर कि इंटरनल फोर्स कैसे मालूम चलेगा, रेसिस्टिंग फोर्स कितने मालूम चलेगा, तो रेसिस्टिंग फोर्स का मान बाहर वाले अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, तो बाहर वाला फोर्स मालूम रहेगा उतना ही वैल्यू रख देंगे। तो सिंपल तरीके, सिंपल डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन ए मेंबर सब्जेक्टेड टू एंड एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन एंड मेंबर सब्जेक्टेड टू एंड एक्सटर्नल फोर्स, देन रेसिस्टिंग फोर्स इंड्यूस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब ध्यान देना कि जब तक किसी स्ट्रक्चर के ऊपर हम बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे उसके अंदर इंटरनल फोर्स डेवलप होगा नहीं। जब आप किसी व्यक्ति को टॉर्चर नहीं करोगे तो उसके अंदर में स्ट्रेस डेवलप ही नहीं होगा। तो ही हुआ कि जब किसी मेंबर को हम एक्सटर्नली से फोर्स अप्लाई करते हैं, जब उसके ऊपर बाहर से फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, देन जो रेसिस्टिव फोर्स इंड्यूस होता है, अंदर वाला फोर्स प्रोड्यूस होता है पर यूनिट एरिया के टर्म में, उसे वो क्या बोला जाता है, स्ट्रेस। यानी मैथमेटिकली स्ट्रेस इक्वल टू रेसिस्टिव फोर्स फोर्स बटा क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया
क्रॉस सेक्शनल एरिया कहने का तात्पर्य यह है कि जिस एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया, तो फोर्स किसके ऊपर? सर्कुलर पर अप्लाई किया गया, तो इसका ए वाला एरिया नहीं लगे, कौन वाला लगे? केवल ए वाला एरिया। तो ए वाला एरिया कितना होता है? सर्कुलर है, तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर। स्ट्रेस को जनरली सिग्मा से डिनोट किया जाता है। क्या चीज से डिनोट करते हैं? सिग्मा से। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। क्या चीज बोला जाता है इसको? सिग्मा। अब इसका एसआई मात्रा क्या होगा? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसलिए इसका एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल। एरो का लिखेंगे, इट्स एसआई यूनिट एच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी जो दाब का था, प्रेशर का था, वही होता है। और इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल। लेकिन दाब से अलग चीज है। दाब में था एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पे क्या है? रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। माइंड में सेटअप करके रखेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि इसका बिम्बीय सूत्र कितना होगा, फिर इसके और कौन कौन से यूनिट है जिसमें व्यक्त जनरली किया जाता है। इसको हम लोग मेगा पास्कल में भी व्यक्त करते हैं। क्या चीज में जनरली व्यक्त किया था? किलो पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल। लिखेंगे, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ किलो पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल इत्यादि। और वन के किलो पास्कल इक्वल टू 1000 पास्कल होता है। एक मेगा पास्कल, ये चीज समझना है, बराबर 10^6 पास्कल होता है या न्यूटन पर एमएमएस पड़ता है। अगर अगर एरिया को आप एमएम में व्यक्त कर दो, एमएम स्क्वायर में, लंबाई गुणा चौड़ाई को क्या रख लो? एमएम में रख लो, तो हमेशा आंसर क्या चीज में डायरेक्ट आ जाएगा? मेगा पास्कल में। मीटर में एरिया रख रहे हो तो पास्कल लिखो, एमएम में रख दो तो आंसर क्या हो जाएगा? मेगा पास्कल में। एंड न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है? मेगा पास्कल बोला जाता है। इसका विमीय सूत्र, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला एच। अब देखो एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन का एसआई को हम लोग क्या लिखते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और गुणे मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर किया। अब डायमेंशन लिख रहे थे, केजी के लिए क्या लिखेंगे? एम। मीटर के लिए एल इनवर्स, क्योंकि नीचे है, और टी माइनस टू। यानी स्ट्रेस का विमीय सूत्र कितना होता है? एम एल इनवर्स टी माइनस। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। बहुत प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, लेकिन मेनली हमको चार पांच को पढ़ना है सिलेबस के अनुसार, जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर दो प्रकार के स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसके बाद शेयर स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्शनल स्ट्रेस, बहुत प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी हम लोग तत्काल पढ़ेंगे, दो तीन पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। टॉपिक लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस।
लिखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, ये कौन से होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरे का क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, दूसरे का मैं आपको पढ़ाएंगे शेयर स्ट्रेस। ये दो इंपॉर्टेंट है जिसको सबसे पहले पढ़ना है और इसे रिलेटेड न्यूमेरिकल को करना है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस, एक चैप्टर ही बन के आएगा, और चौथा है थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस टॉर्सनल स्ट्रेस भी होता है, ये सब चैप्टर बन के आएगा। टॉर्सनल स्ट्रेस ये बहुत प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, लेकिन हमको अभी सबसे पहले इस पर ज्यादा टारगेट करना है। इसके लिए हम लोग क्लासिफिकेशन देखने के लिए एक वीडियो और इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे, पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ के ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल को करेंगे, जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, लेकिन मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।